बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सिदराज किचन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको वेजी मैगी बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको अपने बच्चों को बना के दीजिएगा तो वो इससे बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैं आप सबके साथ वेज मैगी बनाने के इंग्रेडिएंट्स शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम गाजर लिया है, एक मीडियम टमाटर लिया है मैंने, मीडियम प्याज लिया है, मीडियम शिमला मिर्च लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, मैगी मसाला लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून मैंने मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 2 अदद मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं, मैगी का इस्तेमाल किया है मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी। सियां हमारी पक चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर ये तमाम मसाले ऐड कर दूंगी। इसको मैं मिक्स करूंगी। चिली सॉस अवेलेबल है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लूंगी। हमारी बॉयल हो चुकी है, अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी।
यहाँ पर हमारी वेजी मैगी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बनाकर दीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को याद से प्रेस कर दें। ऐसा करने से मेरी हर आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।